गाइस अर्शी को देखो क्या मजे से सोई है एसी में, बिल्कुल दिख ही नहीं रही है और मैं बस अभी निकलने लगी हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? वेलकम टू टुडेज व्लॉग, स्वागत है आपका। मैं तैयार इसलिए हूँ क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी जाना होता है, उस दिन सुबह 6 बजे उठना होता है और 7 बजे निकलना होता है, तो एक ऐसी आ रही है शक्ल, अजीब सी आ रही है। तो अभी टाइम हो चुका है 7:05, तो अभी मैं निकलने लगी हूँ घर से और पापा मेरे को बाहर तक ड्रॉप करेंगे, फिर मेरी आगे फ्रेंड है उसके साथ बहुत प्लाजा तक जाना है, वहाँ से मेरी कैब है। तो अर्शी सोई हुई है अभी, उसको होश नहीं है, तो बिना टाइम वेस्ट किए निकलते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। गाइज अभी हम वेट कर रहे हैं कि हमारी वाली कौन सी है कैब, वो वाली है ये वाली है अभी पता। गाइज हम फिर से टैक्सी उठा के यहाँ वेट कर रहे हैं बैग और ये अभी आएगी हमारी वाली। हम पहुंच गए हैं बट इन्होंने अंदर कैब नहीं आने दी, एज यूजुअल इनके ड्रामे स्टार्ट। आग ने यार अंदर ही नहीं आने देते, पता नहीं कौन कौन से रूल बना के रखे अपने। गाइस मैं पहुंच गई हूँ अपने प्यारे से रूम में। गर्मी आज तबाही गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी है ना, मतलब अभी तक ये मेरी पूरी शर्ट गीली हो चुकी है। फिर ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं क्योंकि घर से मैं करके आई थी, भूख नहीं थी, बट मैंने टिफिन में पैक कर लिए परांठे क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा लेट जाऊंगी डिपार्टमेंट, तो ग्रॉसरी से दही ले लेंगे और दिन में ये खा लेंगे क्योंकि दिन का मेन्यू भी गंदा है, इतनी दूर से चल के कौन आएगा। तो अभी यार देखते हैं, थोड़ा सफाई वफाई कराते हैं रूम की। तो गाइस साफ सफाई ऑल डन, आप देख सकते हैं मेरा रूम साफ है एकदम। तो अभी मेरा बेड मेरा वेट कर रहा है, मैं 1 घंटे के लिए आधे घंटे के लिए थोड़ा लेटूंगी, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, तो यार मैं थोड़ी देर लेट गई थी, मतलब नींद तो बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई थी पर उठना ज़रूरी था क्योंकि डिपार्टमेंट जाना है, बैग शैग लगा लिया, छाता ले लिया, तो चलते हैं फिर डिपार्टमेंट बानी कर रही है फिर तो चल ग्रॉसरी जाएंगे क्योंकि परांठे तो हमें दही लेते हैं, बस दही होना चाहिए उधर, नहीं तो इस टाइम तक ख़त्म हो जाता है कि मेरी है ना फ्री बर्दाश्त नहीं हो रही यार एकदम। देखो क्लियर धूप, ये रोज सोचते होंगे बेचारे इनको इतनी गर्मी लगती है, रोड में से सेक नहीं कर रहा है। गाइस ये देखो बंदर हो गए, बच्चे झूठे खाते भाई। चल ग्रॉसरी आज तो पूरी यूनिवर्सिटी खा ली, क्यों दिख रही है। सो गाइस हमने ग्रॉसरी से ले लिया दही, आज हमें दही मिल गया, लंच तक नहीं बचना था ना, और हम जल्दी है इसलिए मिल गया, अब हम खाएंगे पराठे विद दही। तो गाइस मैं पहुंच गई कैबिन, कितनी दूर होगी इसको, अभी जस्ट मैं लैपटॉप ऑन कर रही हूँ, ये मैंने खाने पीने का सामान रखा है, आज मैंने ग्लूकोज लाया था इस पर डाला मैंने पानी में, ऐसे ज़्यादा पानी पीने होता है, और ये रहा टिफिन, बाद में खाएंगे, अभी करते हैं थोड़ा सा काम, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाइस हम करने लगे लंच, दही परांठी अचार। गाइस हम आया इस वाले कैफे कॉफी डे में जो सेंट्रल वाला, ये भी ओपन हो गया है, ये पहली बार आएंगे हम। अभी गाइस इसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है साथ साथ में, बट थोड़ा सा सेट कर दिया इन्होंने, स्पेस अब ज़्यादा हो गई ना इस कैफे के, टाइम कम थी स्पेस। हे गाइस कितनी गंदी शक्ल आ रही है यार, बानी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, वो हॉस्टल चली गई है, मेरे को पूछ रही थी, मैं कुछ काम कर रही थी, हुआ ये कि मैं सुबह से काम कर रही थी एक पेपर पे, ठीक है, अभी 4 बजे तक मैंने बानी को बोला 2 मिनट रुको मैं भी चलती हूँ हॉस्टल। जब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करने लगी ना तो मेरा ध्यान ही क्या, ये तो अलग पेपर है जिस पर मैंने काम कर लिया है, दूसरे पर करना था, अब इतनी हलचल मच गई, हलचल मतलब लास्ट डे था, अब मैं वही करने लगी हूँ वापस से, इसलिए मेरे को 2-3 घंटे और बैठना पड़ेगा इधर। तो मैंने ब्लंडर कर दिया बहुत ज़्यादा, मतलब 5-6 घंटों की मेहनत मैंने बो दी है, मैं यार बहुत दुख लग रहा है क्योंकि जिस दिन घर आऊँ घर से आऊँ ना वैसे भी नींद चढ़ी रहती, मैं लगा जाऊँगी 2-3 घंटे सोऊँगी पर लगता नहीं अब हो पाएगा। हाँ देख रहे हो अचानक से तूफान स्टार्ट हो गया है, मैं निकल के यार काम मैंने ख़त्म किया, टाइम हो गया 6:30,
मैं निकली फिर जल्दी जल्दी, मुझे लगा चाय की टाइमिंग है 6:30 तक होती, मैस में चाय पी लेते हैं तो वो भी चली जाएगी। कसम से आज मैंने इतना बड़ा गंदा ब्लंडर किया ना, क्या ही बताऊँ, मतलब पूरी मेहनत मैंने बेकार कर दी है। टर्न पे हाय गाइस, गर्मी है, जम्मू से कम है थोड़ी सी, जो शाम को जम्मू में थी ना कल। गाइस आज बना है पास्ता और चाय, मन नहीं था, भूख नहीं, इसे मैं थोड़ा सा ही है, खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। हे गाइस, तो चाय पी के मैं आ गई थी रूम, तो मैंने ये देखो क्या निकाला हुआ, यूकुलेले बहुत देर के बाद, क्योंकि टाइम नहीं मिला घर पे जाके, और ये वाला बेचारा, मेरे पास दो है, एक छोटे वाला एक बड़े वाला, ये वाला तो वो बेचारा घर पे ही है, ये बड़ी देर के बाद निकाला है, क्योंकि मुझे आज लगा कुछ गाना चाहिए, आज गाना बनता है यार, तो और मैं व्लॉग में भी डालूंगी और इंस्टा पे भी पोस्ट करूंगी और अपने म्यूजिक चैनल पे भी, तो अगर आपको सुनना होगा वहाँ पे भी सुन सकते हो। गाइज साड़ी बानी हो गई है बीमार 19 से, ये रूम में थी बेचारी, 4 बजे आ गई थी, मेरे को काम आ गया था, आपको बताया मैंने क्या किया आज, मैंने देखा कितना गंदा काम किया आज, ये भी असर करती, ये क्या किया, पेपर पहुँच जाती। फिर गाइज अभी मैं ये अब रेस्ट कर रहे थे, अभी फिर ये बोलते हैं कि चलो ग्रॉसरी तक चक्कर मारते हैं, कुछ खाने पीने के लिए लेते हैं। नहीं बच्चे कहाँ गए हैं, मतलब कोई कोई बच्चा दिख रहा है, पेपर है क्या, है कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं क्या, हाय इतने पढ़ाकू बच्चे हैं क्या। हाँ लैब एग्जाम चल रहे हैं उनके, अभी एग्जाम नहीं, ड्यूटी है कल 3 दिन फंस गया अभी ड्यूटी में। शेक्स इन्होंने स्ट्रॉबेरी लिया, मैंने लिया मिल्क शेक, कुछ दूसरा है बिस्किट्स वाला। अब हम बैठेंगे यहाँ पे, ये अकेला बैठने से काम नहीं देंगे। गाइस बानी की स्टेटमेंट, गर्मी में बंदा मर भी जाता है। कैसे मरेगा, गर्मी से मरना मत गाइस, ठंडा ठंडा जूस पीते रहो। से गुजर रहे हैं और हमें म्यूजिक रूम से गिटार की आवाज़ आ रही है, हमें लग रहा है हमें जाना चाहिए क्योंकि ये मेरा घर है, इमेजिनरी गिटार बजा रही है, फिर भी होता है वो नंगे पैर चलना चाहिए सुबह, आप चलते हो ना घर पे कितना अच्छा है, हमारे घर पे इससे भी ज्यादा ग्रीन घास है, ऐसा लगता है आर्टिफिशियल मंगाया हो, मैंने एक बारी कोई आया था मेरे स्कूल आर्टिफिशियल है और यकीन भी कर लिया आर्टिफिशियल है। गाइस म्यूजिक रूम में आपको सुनाई दे रहा होगा, म्यूजिक चल रहा है पर अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर इस टाइम ठीक हो गया हुआ मौसम यार, नहीं क्या चल रहा है, इतने बच्चे क्यों इकट्ठे हुए हैं भाई, ट्रिप श्रिप जा रहे हैं क्या। गाइस अभी हम निकल गए हॉस्टल को वापस, इनको शायद ग्रॉसरी से कुछ सामान लेना है, फिर हम जाएंगे हॉस्टल सीधा मैसेज डिनर करके रूम में, कहाँ ही हम पेमेंट कर रहे थे, इनका नेट नहीं चल रहा, सारे बोले नेट नहीं चल रहा। गाइस गिरते पड़ते हम पहुँच गए हैं हॉस्टल 8:30, इसके बाद जाने देंगे हमें, जल्दी चलो बानी। ये मेरा रूम था एमटेक में, ये वाला सामने एकदम, हाँ एकदम सामने था, सही लगता था। गाइस यार अभी हम वेट कर रहे हैं खाना लगने का, अभी ये खाना लगा रहे हैं काउंटर पे, हम यहीं बैठे हुए। हेलो गाइस, तो यार मैं वीडियो बना रही थी अभी, मैंने जस्ट रील अपलोड की इंस्टा पे, तो बस वही बना रही थी, आज बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ यार, क्योंकि 6 बजे उठी थी सुबह, घर से आई फिर वही पेपर वाला, इतना ज़्यादा काम पड़ गया, डबल काम पड़ गया, डबल ट्रिपल। फिर अभी आप सेटअप बताती हूँ आपको, ये देखो मेरा छोटा सा सेटअप, ट्राइपॉड ये और ये। तो अभी मैं चेंज वगैरह करूँगी, उसके बाद थोड़ा फेस वॉश करके थोड़ा फ्रेश होके फिर सो जाऊँगी, हिम्मत ही नहीं बची है जागने की बिल्कुल भी। फ्रेश वगैरह तो मैं लगी हूँ सोने, तो आप भी सो जाओ। बस ख़त्म बात। तो यार गाइज एक रिक्वेस्ट है आपसे, जैसे मेरा थीसिस का काम चल रहा है ठीक है, तो जो 2 मंथ्स है मेरे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इनफैक्ट मैं घर भी शायद नहीं जाऊँ अब 1-2 हफ्ते, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लगा लो कि भागम भाग है,
और अर्शिक भी बिजी हैं काफ़ी टाइम, उसका क्रूशियल है इस टाइम। जुलाई में हम दोनों इकट्ठे फ्री हो जाएंगे, होप सो। मैं अगर हुई तो ज़्यादा था अगस्त तक हो जाऊँगी। देखो ना, मैं यूनिवर्सिटी में रहती हूँ, वो घर पर रहती है, घर पर कितना ही आप खुद सोचो, आप खुद अपनी हमारी जगह अपने आप को रखो, कितने ही आप दे पाओगे घर से, है ना। या इकट्ठे हों तो फिर बात अलग होती है, अलग अलग ये चीज़ें। फिर भी ट्राई करते हैं आपको अच्छा कंटेंट देने की। और गाइज, बस 2 महीने का वेट कर लो, फिर उसके बाद हम काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, प्रैंक श्रैंक के साथ होने वाले हैं व्लॉग। तो स्टे ट्यून्ड, ऐसे आगे भी सपोर्ट करते रहो, शेयर करते रहो, एड्स मत स्किप करना यार। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आज मेरा पोपट हो गया बहुत गंदे वाला, और मेरे को बड़ा रोना सा आ रहा था, फिर मैंने कंट्रोल किया और फिर से काम किया और वो हो गया फाइनली।